नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मॉड्यूल कुछ पॉइंट्स है डिस्टेंस प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स एग्जाम में काफी बार ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मॉड्यूल और मॉड्यूल से आप क्या समझते हैं मॉड्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर ध्यान से समझना मॉड्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर बिल्ट एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स तो डिएस्टेंस इसमें जो वाटर कोर्स है वो कौन सा है ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं देखिए इसके इस साइड भी फील्ड है और इसके इस साइड भी फील्ड है जब इस तरीके का होता है ये लास्ट यूनिट होती है किसी भी फील्ड तक जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या कोई भी एक रिवर है रिवर से हमारे पास क्या एक मेन कैनाल है मेन कैनाल से क्या डिस्टेंस एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है ठीक है ना डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से एक हमारे पास यहाँ पे क्या होगा जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया इस तरीके से ये आगे जा रहा है इसको हम लोग मान रहे हैं वाटर कोर्स और डिस्टेंस ये हो गया हमारे पास मान लेते हैं फील्ड तो डिस्टेंस ये हमारे पास जो फील्ड है इस फील्ड तक जो वाटर पहुंचा रहा है इसके इस पर क्या लगा हुआ है एक आउटलेट लगा है क्या डिस्टेंस आउटलेट ये जो आप आउटलेट देख रहे हैं वो यही आउटलेट है ध्यान से देखिए ये जो आप आउटलेट देख रहे हैं और जो आप इधर देख रहे हैं इस साइड में ये जो देख रहे हैं ठीक है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं वाटर कोर्स क्या डिस्टेंस वाटर कोर्स तो यहां से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट वाटर कोर्स वाटर कोर्स ठीक है तो ये हमारे पास क्या डिस्टेंस आउटलेट ये क्या है वाटर कोर्स तो वाटर कोर्स के हेड पे जो हमने क्या बना रखा है स्मॉल स्ट्रक्चर बना रखा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आउटलेट बोलते हैं मॉड्यूल मॉड्यूल कहिए या फिर आउटलेट कहिए मॉड्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर बिल्ट एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स तो आई थिंक आपको यहां से क्लियर हो गया होगा अब डिस्टेंस इसके कुछ टाइप्स देखते हैं टाइप्स ऑफ आउटलेट या फिर आप क्या कह सकते हैं डिस्टेंस मॉड्यूल क्या कह सकते हैं आप मॉड्यूल ठीक है डिस्टेंस ये थ्री टाइप्स के आउटलेट्स होते हैं फर्स्ट वन इज द नॉन मॉड्यूलर आउटलेट सेकेंड वन इज द सेमी मॉड्यूलर आउटलेट या फिर फ्लेक्सिबल आउटलेट क्या बोलते हैं डिस्टेंस को दूसरा फ्लेक्सिबल आउटलेट एंड थर्ड वन इज द रिजिड मॉड्यूल क्या डिस्टेंस रिजिड मॉड्यूल ठीक है ये हो गया हमारे पास रिजिड मॉड्यूल्स या फिर मॉड्यूलर आउटलेट तो फर्स्ट जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट तो इसमें हमने क्या करना है पॉइंट पढ़ना है और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखने हैं डिस्चार्ज जो इसमें डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ध्यान से समझना प्लीज डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ हेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स मतलब जहां से वाटर आ रहा है तो यहां पे क्या है जैसे फॉर एग्जांपल यहां से वाटर आ रहा है इस पॉइंट पे हमने क्या लगा रखा आउटलेट लगा रखा है और ये वाला क्या है वाटर कोर्स तो इन दोनों के डिस्चार्ज में जो डिफरेंस है ये इस चीज पे क्या करता है डिपेंड करता है ठीक है डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन इसमें जो डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ द हेड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द वाटर कोर्स एग्जाम्पल्स ओपन सिल एंड डाउन पाइप आउटलेट आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉडुलर आउटलेट सेकेंडरी डिस्टेंस फ्लेक्सीबल आउटलेट फ्लैक्जीबल आउटलेट में क्या होता है डिस्टेंस डिस्चार्ज इट डिपेंड्स अपॉन द वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी इसमें जो फ्लैक्जिबल आउटलेट में डिस्चार्ज किस पर डिपेंड नहीं करता है डिस्चार्ज इज नॉट डिपेंड ऑन द वाटर कोर्स ठीक है वाटर कोर्स के हेड पर क्या नहीं करता डिपेंड नहीं करता है वाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेक्जिबल आउटलेट्स पाइप आउटलेट फिल्यूम्स ओपन फ्लोम्स और सेमी मॉड्यूल्स। तो डिस्टेंस एक तो आप याद रख सकते हैं एफ फोर फ्लैक् ठीक है ए फोर फ्लैक् एफ फोर फ्ल्योम तो अगर एग्जाम में कभी फ्लोम आ जाए वेंचुरी फ्लोम या ओपन फ्ल्योम तो उस केस में आप कह सकते हैं कि दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेक्जिबल आउटलेट्स। ओके स्टूडेंट्स? एंड थर्ड वन इज द रिजिड मॉड्यूल या फिर क्या कह सकते हैं मॉड्यूलर आउटलेट इसमें क्या डिस्टेंस इन दिस डिस्चार्ज इज कॉन्स्टेंट देखिए मैंने क्या बताया था इसके केस इस में जो सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी का जो वैल्यू है वो क्या है डिस्टेंस जीरो रीजन बिकॉज डिस्चार्ज इज कॉन्स्टेंट क्लियर हो गया वट इज द एग्जाम्पल गिब्स मॉड्यूल इज एग्जाम्पल ऑफ रिजेड मॉड्यूल तो डिस्टेंस इस तरीके का होता है हमारे पास इसको हम लोग क्या बोलते हैं गिफ्ट मॉड्यूल तो प्लीज़ आप इसको क्या रख सकते हैं थोड़ा सा याद रख सकते हैं ओके स्टूडेंट्स सो प्लीज़ ये हमारे पास क्या थे एग्जाम्पल्स थे मॉड्यूल्स के आउट ऑफ मॉड्यूल्स मॉड्यूल क्या होता है किस तरीके का सिस्टम होता है अच्छा सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी होती है वो किसकी होती है सबसे ज़्यादा ड्यूटी होती है डिस्टेंस ड्यूटी अगर आपसे पूछा जाए तो हेड ऑफ द फील्ड मतलब इस पॉइंट की ड्यूटी सबसे ज़्यादा होती है और इस पॉइंट पे जो ड्यूटी होती है उसको ये इस पॉइंट की ड्यूटी क्या है बाकी औरों के कंपेरिजन में क्या ज़्यादा है क्योंकि आप सभी को पता है ड्यूटी का वैल्यू डायरेक्शन ऑफ वाटर में क्या करता जाता है बढ़ता हुआ जाता है अगर आपको देख रखा है कि इस पॉइंट में ड्यूटी है डी इस पॉइंट पर ड्यूटी है डी तो बोलिए कौन सी ड्यूटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली डी ग्रेटर देन डी ओके स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स ओके और क्या हमारे पास मॉड्यूल हो गया सेंसिटिविटी हो गया well, वैल्यू हमने आपको बता दिया तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी हेल्पफुल